हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ मूवी एक्सप्लेनर YT। जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन के वजह से मूवी के रिलीज डेट को ही पोस्टपोन किया जा रहा है और फ्यूचर में डिज्नी बहुत सारे मूवीज को प्लानिंग कर रहा है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग मूवी फ्यूचर में आने वाला है। आज की वीडियो में हम डिज्नी के सारे अपकमिंग मूवीज और उसके रिलीज डेट के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डिज्नी मूवी रिलेटेड कोई भी वीडियो को मिस ना करने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिज्नी अपने एनिमेटेड मूवी मुलान पर एक लाइव एक्शन मूवी रिलीज करने वाला है। इस मूवी के स्टार कास्ट हैं इफेई लियू, जेट ली, डोनी येन, ली गोंग और रोजालिन चाओ। इस मूवी को निक्की कैरो ने डायरेक्ट किया है और ये मूवी 2020 मार्च 27 को रिलीज होने वाला था, पर अब ये रिलीज डेट को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। सेकंड नंबर पे आता है आर्टेमिस फॉल। इस मूवी के स्टार कास्ट हैं जूडी डेंच, जोस गार्ड, फेडुई साओ और मिनेंडा रेसम। इसको केनेथ ने डायरेक्ट किया है और ये मूवी 2020 में 29 को रिलीज होने वाला है। तीसरे नंबर पे डिज्नी की एक एनिमेटेड मूवी आता है जिसका नाम है सोल और इस मूवी का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। इस मूवी के स्टार कास्ट है जेमी फॉक्स, टीना फे और क्विस्लो। सोल मूवी को पीट डॉक्टर ने डायरेक्ट किया है और यह मूवी 2020 जून 19 को रिलीज होने वाला है। चौथे नंबर पे आता है द वन एंड ओनली इवन। यह मूवी के स्टार कास्ट है ब्रायन क्रैस्टन, एंजेलिना जोली, सैम रॉकवेल और डैनी डेविटो। यह मूवी को थिया सैरक ने डायरेक्ट किया है और यह मूवी 2020 अगस्त 14 को रिलीज होने वाला है। पांचवे नंबर पे बीटल्स द गेट बैक मूवी आता है। यह मूवी एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनने वाला है। इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर पीटर जैक्सन है और ये मूवी 2020 सितंबर 4 को रिलीज होने वाला है। अगला मूवी आता है मार्वल के इटर्नल्स। इस मूवी के स्टार कास्ट हैं रिचर्ड मैडन, एंजेलिना जोली, डॉन ली, ब्रायन टैनी हेनरी और लॉरेन रिडलॉफ। इस मूवी को क्लोई चाओ ने डायरेक्ट किया है और इटर्नल मूवी 2020 नवंबर 6 को रिलीज होने वाला है। सातवीं नंबर पर डिज्नी के एक और एनिमेटेड मूवी आता है राया एंड द लास्ट ड्रैगन। इस मूवी के स्टार कास्ट हैं कैसी स्टेले और अक्वाफीना। इस मूवी को पॉल ब्रिग्स और डीन वेलिंग ने डायरेक्ट किया है और ये मूवी 2020 नवंबर 25 को रिलीज होने वाला है। अगला मूवी है सांची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स। इस मूवी के स्टार कास्ट हैं सिमु लुई और अक्वाफीना। इस मूवी को डेस्टिन डैनियल क्रिस्टन ने डायरेक्ट किया है और ये मूवी 2021 फरवरी 12 को रिलीज होने वाला है। नाइन्थ नंबर पे आता है डिज्नी के कुरेला मूवी। इस मूवी का स्टार कास्ट है इमा स्टोन और डायरेक्टर है क्रेल गिलेस्पी और कुरेला मूवी 2021 में 28 को रिलीज होने वाला है। टेंथ नंबर पे आता है इंडियाना जोन्स का एक ऑन टाइटल मूवी। इस मूवी के स्टार कास्ट है हैरिसन फोर्ड और ये मूवी 2021 जुलाई 9 को रिलीज होने वाला है। अगला मूवी आता है डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इस मूवी के स्टार कास्ट है बेनेडिक्ट कुंबरबैच और एलिजाबेथ ओल्सन। इस मूवी को शायद सैम रेमी डायरेक्ट कर सकते हैं और ये मूवी 2021 में 7 को रिलीज होने वाला है। फिर आता है मार्वल का थॉर लव एंड थंडर मूवी। इस मूवी के स्टार कास्ट हैं क्रिस हेम्सवर्थ, टेसा थॉम्पसन और नेटली पोर्टमैन। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं टाइका वाटिटी और ये मूवी 2021 नवंबर 5 को रिलीज होने वाला है। अगले नंबर पर आता है ब्लैक पैंथर 2 मूवी। इस मूवी के स्टार कास्ट हैं चैडविक बोसमैन और डायरेक्टर हैं रैन कुगलर। ये मूवी 2022 में 6 को रिलीज होने वाला है। हमारे लिस्ट का लास्ट में आता है मार्वल का एक और मूवी जो है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं जेम्स गन और स्टार कास्ट में कोई भी न्यू एक्टर को रिवील नहीं किया गया है और रिलीज डेट को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। डिज्नी के और भी बहुत सारे मूवी के रिलीज डेट आ गए हैं लेकिन अभी तक मूवी के टाइटल को रिवील नहीं किया गया है। अगर आप कोई भी अपडेट को मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल कर दीजिए। अगर आपको हमारी ये छोटी सी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मूवी एक्सप्लेनर YT।